की दिल्ली से है। देखिए, राजा पीटर ने बिहार के सीएम नीतीश से मुलाकात की है। राजा पीटर ने बीते दिन ही दिल्ली में जदयू का दामन थामा। नीतीश कुमार से दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई। झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा हुई राजा पीटर की और नीतीश कुमार के बीच में। हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से पूरी जानकारी के साथ। दीपक, राजा पीटर की मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार से, और यह भी बताया जा रहा है कि झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है, दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। देखिए, बिल्कुल, राजा पीटर ने कल जेडीयू का दामन थामा था और आज रांची जाने से पहले जो है उन्होंने नीतीश कुमार से जो है देर रात जो है वो उनके आवास पर मुलाकात की है। नीतीश कुमार से मुलाकात के वक्त उनकी पत्नी भी मौजूद थी, साथ में जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा हैं वो भी मौजूद रहे हैं। काफी विस्तृत रूप में ये मुलाकात रही और ऐसे में इस मुलाकात के दौरान जो है झारखंड चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है कि आखिरकार झारखंड चुनाव में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें जेडीयू का रोल जो है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से पार्टी जो है झारखंड के अंदर जो है चुनाव लड़ेगी और किस क्या मार्गदर्शन रहेगा, किस प्लानिंग के रूप में जो है ये तमाम चीजें होंगी, उसको लेकर जो है राजा पीटर से जो है मुलाकात करेगी। और राजा पीटर के जेडीयू में आने से कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हलचल जरूर हुई है मनीष, क्योंकि देखिए राजा पीटर वही शख्स हैं जो कि 2009 में जो है शिबु सोरेन को हराकर चर्चा में आए थे। एक बहुत बड़ा कद उनको प्राप्त हुआ था और मंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अनुभव का एक बहुत बड़ा फायदा जो जदयू को मिल सकता है। और झारखंड से आने वाले नेता हैं और झारखंड में जिस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जदयू को जरूर फायदा मिलेगा। तो राजा पीटर का जदयू का दामन थापना, जदयू का जो बल है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात हुई है और झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।